क्या लिखा है शिव महापुराण में, जिस रुद्राक्ष को आप सिद्ध कर रहे हो, रुद्राक्ष आपके घर में जो रखा हुआ है उसको सिद्ध करने का एक तरीका और वर्णन किया, 108 बेलपत्र। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, उस पत्ती पर भगवान शंकर का ओमकार, ओम संबोधन चंदन से लिखा, उसको रखते जाइए। पांच बेलपत्र नीचे रख दिए, उसके ऊपर रुद्राक्ष रख दिया, उसके बाद में बाकी की जो 108 बेलपत्र है आप जो गिनती की चढ़ा रहे हैं वो उसके ऊपर केवल ओम नमः शिवाय बोलकर भी समर्पित करेंगे। पांच दिन तक ऐसे कैसे ही रखे रहने दोस्त, बस इतना जरूर करना कि उसके सामने कपूर जरूर जलाना, थोड़ा सा कपूर, अर्थात अपन जलाने का मतलब है कि कपूर की आरती कर लो, कर्पूर घोरम कर्णावतारम संसार सारम, कपूर उसके सामने पांच दिन तक प्रतिदिन शाम के समय सुबह के समय पर आप आरती के नुमा उसको अवश्य प्रज्वलित करें, मात्र पांच दिन। पांच दिन के बाद वो बेलपत्री को उठाइए और उठाने के बाद में आप विसर्जन कर दीजिए, रुद्राक्ष को ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर या रुद्राक्ष के जो मंत्र है, जितना मुखी रुद्राक्ष है उतना मंत्र का, उस मंत्र का जाप कर आगे आएगा चरित कथा में उस मंत्र को बताएं, तो उस मंत्र को भी बोलकर आप उस रुद्राक्ष को धारण करेंगे, वो सिद्ध हो गया। अब ना उसको कहीं अभिषेक में रखने की जरूरत है, अब ना उसको कहीं भभूति लगाने की जरूरत है और ना उसको किसी तरह से उसमें धूप घुमाने की जरूरत। अब तो तुम्हारे तन पर जब धारण कर लिया तुमने, उस तन पर धारण करने के बाद तुम जब घटकी जिभ्या से शिव का नाम लोगे, आपको पहले कथा में कहा था, एक होता है आ जपा जप, पहले की कथा में निकाल कर देखना, एक होता